अपने व्यस्ततम समय से वक्त निकाल कर आप सभी पर आए हैं, इसके लिए आप सभी का आभार। अगले कुछ घंटे समाज के लिए, राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव अपने शहर और जिले दिशा दशा बदलने वाले होंगे, बल्कि आपके साथ सार्थक चर्चा में जो भी निकल कर आएंगे उससे समाज के नवनिर्माण में भी बहुत मदद मिलेगी। चर्चा में आपके साथ में राजस्थान पत्रिका पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी जी और समूह के डिप्टी एडिटर गणेश जैन जी। श्री गुलाब जी कोठारी साहब का परिचय दूं, इसके पहले आपको बता दें संवाद से की इस चर्चा में हमारे साथ शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता, समाज सेवी, प्रोफेसर, पर्यावरणविद और माननीय प्रबुद्ध जन शामिल। आइए जानते हैं पत्रिका समूह के प्रधान संपादक कोठारी साहब के बारे में। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक सम्मानित श्री गुलाब जी कोठारी ने वेद विज्ञान से लेकर धर्म, आध्यात्म और संस्कृत से लेकर राजनीति का साधिकार कलम चलाकर अपनी अलग पहचान बनाई। आपके मार्गदर्शन का ही परिणाम है पत्रिका में प्रत्येक लेखन पाठक को केंद्र रखकर ही प्रस्तुत होता है। पाठक भी अपने अंतसा से पत्रिका से जुड़ जाता है। इसका प्रमाण तब तक दिख जाता है जब किसी सामाजिक अनुष्ठान या आपदा के समय पत्रिका के एक आह्वान पर जन जन कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भागीदारी के लिए आग्रह करता है। ऐसा संयोग ही पत्रकारिता जगत में तब विरुद्ध प्राय हो चला है। यह बार के स्वामी स्वयं भी लेखनी के धनी संपादक है। राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धे कर्पूर चंद पुलिस की यह परंपरा का प्रधान संपादक के रूप में आदरणीय गुलाब जी कोठारी बखूबी निभा रहे हैं। उनके अखबार के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित अभिलेख न केवल समाज को झकझोरते हैं बल्कि गुरुग्रामों को नसीहत देते नजर आते हैं। अपनी इस लेखनी से ही नहीं बल्कि मन वचन और कर्म से भी गुलाब जी कोठारी भारतीय संस्कृति के पैरोकार, अग्रदूत और चिंतक के रूप में नजर आते हैं। आज के दौर में पत्रकारिता मिशन को बिलो छोड़कर मीडिया इंडस्ट्री का रूप लेने लगी। उस दौर में मूल आधारित पत्रकारिता के रचना में स्थापित कर रहे गुलाब जी का संपूर्ण लेखन आधुनिक जीवन मूल्यों का समावेश करते हुए मौजूदा संस्कृत से आधार करता नजर आता है। वेद विज्ञान के कई पहलुओं पर भी कोठारी जी ने कई पुस्तकें लिखी हैं। आपने वैदिक वाङ्मय में भाष्य और संस्कृत अनुवाद से हटकर कर्पूर भाष्य का प्रणयन किया है। अब तक विभिन्न भाषाओं में कोठारी जी की 25 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। चिंतन साहित्य के क्षेत्र में मानस उनका कालजयी ग्रंथ है जो 13 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हो चुका है। कोठारी जी को पत्रकारिता के क्षेत्र में कई सम्मान भी जुटे हैं। भारतीय प्रेस परिषद की ओर से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च राजा राममोहन राय सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ का मूल तेज पुरस्कार, भारतीय हरिश्चंद्र पुरस्कार, निष्पक्ष निर्भीक पत्रकारिता के लिए रामदास वेलका अवार्ड, महाराणा प्रताप फाउंडेशन का हल्दी घाटी सम्मान, डॉक्टर राम भदौरिया स्मृति पुरस्कार समेत पीटर कल्चरल कॉपर यूनिवर्सिटी नीदरलैंड द्वारा स्थापित आई ओ यू पी अवार्ड से आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। गुलाब जी कोठारी का जन्म 6 जनवरी 1949 को टोंक जिले के बालपुर कस्बे में हुआ है। कोठारी जी खुद को हमेशा एक विद्यार्थी मानते रहे हैं। राजस्थान पत्रिका में अपने नियमित स्तंभ स्पंदन और मानस में भारतीय मूल्यों, परंपराओं और संस्कृति के संरक्षक के तौर पर निरंतर लिख रहे हैं। राजस्थान पत्रिका समूह एक परिवार की तरह है और गुलाब जी कोठारी उसके मुखिया है। कई बड़े मीडिया हाउस जब कारपोरेट कल्चर में रस रखते हैं, पत्रिका समूह इसका अखबार है। इस प्रकार के छोटे बड़े सभी सदस्य कोठारी जी को बड़े भाई साहब करके संबोधित करते हैं। जैसे में मालिक और कर्मचारी का संबंध कभी गौर करता है। गुलाब जी कोठारी के नेतृत्व में पत्रिका समूह आज देश के 9 राज्यों से 38 संस्करणों का प्रकाशन कर रहा है। यूपी में
पत्रिका डॉट कॉम डिजिटल के लिए एक विश्वसनीय ब्रांड बन चुका है। वे इस अखबार के प्रधान संपादक हैं जो सामाजिक सरोकारों में सदैव आगे रहा। कारगिल युद्ध के शहीद परिवारों की सहायता हो या फिर गुजरात के दुर्गम पीड़ितों की मदद और राजस्थान के अकाल प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने का काम पत्रिका इन सप्ताहों में सदैव आगे रहा है। चुनाव में मतदाता जागरूकता का उनका काम पत्रिका लगातार करता रहा है। पानी बचाने के लिए अनुपम जलम अभियान और वृक्षारोपण के लिए हरियाणा राजस्थान अभियान की सफलता में पत्रिका के सहयोग से होने वाली जन भागीदारी के अनूठे उदाहरण। अपने संवाद सेवा कार्यक्रम के तहत गुलाबी कोठारी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिला मुख्यालय और शहरों तक पहुंचकर लोगों से उनकी समस्याएं जानी और समाधान के लिए सुझाव दिया। यह एक ऐसा अभियान है जिसकी भारतीय 2000 विश्व के मीडिया इतिहास में कोई दूसरे मिसाल नहीं है। खुद कोठारी जी का मानना है शिक्षक और छात्र के बीच ठीक वैसा ही संवाद और संबंध स्थापित होना चाहिए जैसे माँ और बच्चे के बीच होता है। कोठारी जी की ये साधना अनवरत जारी है और तापक्रम में ये कार्यक्रम उसी की कड़ी का एक हिस्सा। गुलाबी कोठारी जी के बारे में जानने के बाद अब आइए एक साथ मिलकर जगह जानते हैं पत्रिका समूह की विकास यात्रा के बारे में। एक पत्रिका असी जन्म जयपुर में पायो बढ़ता बढ़ता नाम सकल मरुदर में छायो काम करियो तो भारत भर में सुजस कमायो 10-12 अखबारा पिछे पैर जमायो जन्मी जत सू बढ़ रही बढ़िया जा रही आस पग धरती पर बढ़ रहा नजरा में आकाश। 7 मार्च 1956 को श्री कर्पूर चंद्र कुलिश ने राजस्थान पत्रिका की नींव रखी। राजस्थान पत्रिका राजस्थान का अपना अखबार। इतने बड़े न्यूज़पेपर की शुरुआत कुछ मित्रों की मदद और सिर्फ 500 रुपए से हुई थी, पर कुलिश जी के दिल में एक जोश था, जुनून था और कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। 1962 के बाद पत्रिका राजस्थान का एक प्रमुख अखबार बनकर उभरा, लेकिन अभी तक पत्रिका सिर्फ एक शाम का अखबार था और 1964 में यह एक सुबह का अखबार हो गया और पत्रिका ने एक नई सुबह देखी। इसके अलावा गैर हिंदी भाषी राज्यों में जिनमें पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र से अपने संस्करण शुरू किए, आज राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक पहुंच रहा है पत्रिका। यहां तक कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर के जगदलपुर से निकलने वाला पत्रिका राष्ट्रीय स्तर का एक लौता हिंदी दैनिक अखबार है। राजस्थान पत्रिका अखबार के रूप में हर दिन लोगों के घर के दरवाजे खोलता है और पढ़ने के बाद मन के दरवाजे खोलता है। राजस्थान पत्रिका ने पूरे विश्व को जोड़ा है, बधाई देती हूँ मैं आपको। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान पत्रिका इस तरह के कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म में एक अहम भूमिका अदा करती रहेगी। For excellence in journalism is awarded to eminent journalist Shri Gulab Kothari ji for his outstanding contribution towards journalism. ये जो केसरगढ़ आप देख रहे हैं ये चूने पत्थर की इमारत नहीं है, ये राजस्थान पत्रिका का मंदिर है और यहाँ पत्रकारिता के सिद्धांतों की पूजा होती है। पत्रिका समूह द्वारा प्रवर्तित पत्रिका.com उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उत्तर प्रदेश में 17 सितंबर 2015 को पत्रिका.com की लॉन्चिंग के बाद डिजिटल जर्नलिज्म में पत्रिका ने नए आयाम स्थापित किए हैं। एक साल के भीतर ही 1 करोड़ से ज्यादा यूनिक विजिटर के साथ पत्रिका यूपी में डिजिटल जर्नलिज्म का सिरमौर बन गया।
जन सरोकार की पत्रकारिता हो या फिर मानवीय मूल्यों से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट, पत्रिका ने सब जगह बढ़ चढ़कर पत्रकारिता के धर्म को निभाया है। तथ्यों से जुड़ी पत्रकारिता का नतीजा ये रहा कि पत्रिका में प्रकाशित तमाम खबरों को शासन प्रशासन ने संज्ञान में लिया और उन पर त्वरित कार्रवाई हुई। निष्पक्ष खबरों और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट की वजह से यूपी के राजनेताओं, युवाओं और महिलाओं की पत्रिका पहली पसंद बन चुका है। उत्तर प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों में और देश से बाहर भी लाखों की संख्या में पत्रिका ऑनलाइन के रीडर इस बात के सबूत हैं कि पत्रिका आम जन की आवाज बन चुका है। पत्रिका के पाठकों का 6 दशक से ज्यादा का भरोसा पत्रिका के लिए ऐसी विरासत है जो पत्रिका टीवी, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए और मजबूत हो रही है। आप बताएंगे संवाद से और मीडिया के।